मध्य प्रदेश के पटवारी संवर्ग निरंतर किसानों व शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य कर शासन की अधिकांश योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं। अल्प संसाधनों के बावजूद मध्य प्रदेश का पटवारी शासन व किसान हित के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर विभिन्न प्रकार के तकनीकी सॉफ्टवेयरों, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, TSM मशीन, तकनीकी उपकरणों आदि पर तकनीकी व विभागीय कार्य का कुशल संपादन कर रहा है। साथ ही शासन के 56 विभागों का कार्य कर रहा है, जिससे कृषकों में शासन की उज्जवल छवि निर्मित होकर उनका आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण होने के साथ ही राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार द्वारा निरंतर सम्मान प्राप्त हो रहा है। यहां की 2400 घंटे 7 दिवस निरंतर कार्यों के संपादन किए जाने के उपरांत भी आज तक वर्षों से पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों के संबंध में निरंतर ज्ञापन देने व अवगत कराने के उपरांत भी शासन द्वारा निराकरण नहीं किया गया है। शासन द्वारा विगत कई वर्षों से केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है, किंतु कोई मांग पूर्ण नहीं की गई है, जिससे प्रदेश के पटवारियों में निराशा का भाव होकर मनोबल प्रभावित हो रहा है व आए दिन पटवारियों की मौत हो रही है। पटवारी संवर्ग की प्रमुख मांगे हैं कि पटवारियों का ग्रेड पे 2800 रुपये करते हुए समय मान वेतन मान विसंगतियों को दूर किया जाए और गृह जिले में पदस्थापना की जाए। नवीन पटवारियों की CPCT की अनिवार्यता संबंधित नियम समाप्त कराए जाने की मांग की गई है। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने चेतावनी देते हुए बताया है कि 7 जुलाई सारा ऐप से लॉग आउट होकर मोबाइल से अनइंस्टॉल करना, 7 जुलाई से 9 जुलाई तक काली पट्टी व काला मास्क लगाकर कार्य करेंगे, 12 जुलाई को भू अभिलेख को छोड़कर समस्त कार्यों का बहिष्कार करेंगे, 2 अगस्त से 4 अगस्त तक सामूहिक अवकाश 3 दिवस तक रहेगा। और वहीं आज मंगलवार 3 अगस्त को रैली निकाल कर ज्ञापन दिया, 5 अगस्त को समस्त पटवारी सारा वेब पोर्टल WebGIS सहित अन्य ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा, 10 अगस्त को अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टिकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।